प्रभाकर बताइए। बस बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो पार्टी चल रही थी वो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार वाली उसकी पार्टी चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम पुराने उस फैसले को बदल नहीं सकते हैं। चूंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, कोर्ट किसी के रिजिग्नेशन को वापस नहीं कर सकता, तो मतलब ये कि चीजें बहुत गलत हुई। स्पीकर ने चीफ व्हिप का जो अपॉइंटमेंट किया वो गलत था, गवर्नर की भूमिका गलत थी, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो चलती रहेगी। बस एक संतोष बस उद्धव ठाकरे और उनके खेमे को इस बात से हो सकती है कि कोर्ट ने ये कहा कि जिस ढंग से उनकी सरकार गिरी गिराई गई वो गलत था, गवर्नर की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सरकार चलती रहेगी और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की पार्टी जो चल रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर यहां पर प्रभाकर कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी हुआ, जिस भी तरीके से सरकार गिरी और सरकार बनी, गवर्नर की भूमिका को लेकर बेशक सवाल उठाए गए, लेकिन जो ताजा स्थिति है वो बहाल रहेगी, यानी शिंदे सरकार बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।